ये है मेरा फेवरेट प्लांट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज है मंडे, तो वीकेंड काफ़ी जल्दी चला गया, बट कोई नहीं, फिर से नेक्स्ट वीकेंड आएगा, फिर प्लान्स बनेंगे। तो आप देखते रहिए हमारे ये व्लॉग, और थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। और भी सपोर्ट कीजिए, आपके प्यार की हमें बहुत 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 ज़रूरत है। मैंने अभी पौधों को मीनवाइल पानी तो दे दिया है, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो नीचे आके देखा, बैल्कनी में हमारे काम हो रहा है, काम इन द सेंस जो भी प्लांट्स लेके आए थे तो वो भैया लगा रहे हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, अभी टाइम हो रहा है 9, वो बहुत सुबह सुबह आ जाते हैं। বেশি জল দেবো না, জলটা না ভিজে ভিজে রাখবো না, মোটামুটি দুদিন পর পর জল দেবো হালকা হালকা করে। গরমে তো ডেলি দিতে হবে, আবার তলা মাঠ না। তো মেরা ব্রেকফাস্ট হো চুকা হ্যাঁ, অভি টাইম হো রা হ্যায় 10:20, আর থোড়া চায় পিয়েঙ্গে। चाय के बिना तो सही नहीं लगता है, मतलब कुछ भी खा लो लेकिन बाद में एक कप चाय तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट दिन में 2 कप। और मेरा प्लांट्स भी लग चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये है मेरा फेवरेट प्लांट जो मैं उस दिन लेके आई थी। बाकी ये सब अभी साफ़ करना बचा है, ये साफ़ हो जाएगा, फिर इसको पूरा मैं ऑर्गेनाइज करूँगी सोच रही हूँ। ये एक छोटा बड़ा ऐसे करके है ना, जिसको मीनवाइल कौस्तक तो बाहर का काम संभाल रहा है। ये जो बाहर हो रहा है, टाइम हो रहा है 12:20, तो मैं नहा ली हूँ, अभी कौस्तक कर रहा है एडिटिंग, बचा हुआ है थोड़ा बहुत, और थोड़ी देर में फिर लंच करेंगे। वैसे तुमको याद है हम लोग को मारुति सुजुकी के शोरूम से स्कूटी का कुछ लेके आना था डॉक्यूमेंट? नहीं, होंडा। ओ सॉरी। हाँ तो वो क्या होता है, सम कार्ड, स्मार्ट कार। हाँ तो वो कब से कॉल आ रहा था कि वो स्मार्ट कार्ड लेने जाना है, लेकिन हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं वो भूल जाते हैं लेना। लेट्स सी वो कब ले आ सकते हैं। कल एक्चुअली स्टारमार्क में ऑफर चल रहा था कुछ बुक्स में, तो मैंने 2 बुक्स वहाँ से खरीदी, बहुत ही कम में मिली, लाइक 99 रुपीज़ में मेरे को बुक्स मिल गए, ईच 99। तो मैंने वो खरीद ली। एक बुक तो काफ़ी सही है, अच्छा है, लेकिन दूसरे वाले बुक मैंने जो लिया, सबको ही मजाक उड़ा रहा है। एक्चुअली तो इट्स लाइक सम व्हाट इज़ द रूल्स ऑफ लव, तो बेसिकली आई फाउंड माई लव, सब कुछ मुझे पता है, मैं तो खुश हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि नहीं ये पढ़ लेती हूँ, ये अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ भी रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ बुक्स मुझे एकदम पढ़ने का मन करता है कि क्या है द रूल्स ऑफ लव, मुझे भी जानना है कि इसके रूल्स भी होते हैं तो क्या होते हैं। तो जितना थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है तो फिर मैं पढ़ती हूँ ये बुक। और आज बैकग्राउंड में बहुत ही आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो जो काम चल रहा है उसका, ये जो काटने मार्बल वार्बल कुछ भी है, वो जो स्टोन काटने वाला चीज़ है ना, वो बहुत इरीटेट करता है, ये आवाज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग को भी आ रही होगी, सॉरी इस आवाज़ के लिए, आप लोग उसी आवाज़ में मेरी आवाज़ सुनने का कोशिश करना। कौस्तुभ तो नहा के आ गया है, चलो अभी लंच करने चलते हैं। चलो मैं तो चली, तुम आ जाना। आज या आज मेरा फेवरेट लंच बना है। ओ मेरे वाले टावल भी थोड़ा वो डालना है उसमें। हाँ तो ये है आज का लंच, चिकन और राइस, मेरा फेवरेट। एक्चुअली कल बनना था लेकिन कल तो वेज हो गया। हाँ इसलिए आज नॉनवेज। लंच हो गया, अभी लंच करके नीचे 3 मेरे फेवरेट डॉग्स है, एक मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा स्कूबी, उसको मैं खाना देने चलती हूँ। उसको खाना देने के बाद नीचे का कुछ काम भी देख लेते हैं।
तो ये है स्कूबी। इतना बदमाश है, इसने झगड़ा किया था किसी के साथ जिसकी वजह से उसका एक फेस पूरा फूल गया, मुंह पे सूजन हो गया। हाँ, वो काम देख लिया। अभी कितना बचा है? तो मेरा बालकनी भी साफ कर दिया है वो भैया ने। ये पॉट को मैंने कलर किया था, जो भी ऐसा हो गया क्योंकि ये बहुत पहले मैंने कलर किया था इसको, एक साल तो हो गया होगा। ये है मेरा फेवरेट प्लांट। अब सब सही लग रहा है, इन सबको मैं पेंट करूँगी एक दिन जब फ्री हो जाऊँगी ना तब। बीच बीच में आपको कपड़े भी टंगे हुए दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, क्योंकि हम लोग कपड़े यहीं पर टंगाते हैं। ये हमने न्यू तरकीब यूज़ करते हैं कि ऊपर छत पर जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, और बारिश में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम हैंगर में डाल के यहाँ पे एक रॉड लगा दिया है बालकनी में, तो सारे कपड़े हैंगर में डाल के डाल देते हैं, फिर शाम को वो ड्राई हो जाते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग काम ख़त्म किए, अभी ऊपर वो जो काम कर रहे वो बुला रहे थे, तो देखने जा रहे हैं कि कितना क्या ख़त्म हुआ है। वो आज वो लगा दिया ना बड़े वाले प्लांट में रोज को, लेकिन इसमें फ्लावर होगा अभी तो शायद नहीं होगा, लेकिन पत्ते जो आ रहे हैं नए पत्ते यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ा होगा। ये बोगेनविलिया, ये ज़्यादा शायद होगा, देखते हैं। कहाँ से उठाया ये, क्या है? दिस इज टोगोर, गार्डन से उठा के लाया। ओह, चल रहा है काम, काफी जा रहे हैं। ये वाला साइड फिनिशिंग हो गया, देखो पूरा कवर कर दिया। ओ हाँ, ओ नाइस, पहले यहाँ पे ग्रेन टाइप का था, ये पूरा कवर कर दिया। पास वाले अंकल स्कूबी को बुला रहे हैं खाने के लिए। तो गाइस अभी समय हो रहा है 5, तो हम जा रहे हैं अभी हमारी यूजुअल जगह मम्मी के घर, तो वहाँ जाके मिलते हैं। ये देखो गाइस स्कूबी को, मैं उसको जब भी बुलाती हूँ वो आ जाता है। बेचारे के गाल में आई थिंक मधुमक्खी ने काटा है, या फिर वो झगड़ के आया है कहीं से, तो पूरा सूज गया है। हमने इसको मेडिसिन तो दी है। आ गए हैं घर, पियेंगे चाय, शाम की चाय इज़ इम्पोर्टेंट। देखो ब्राउनी को आके क्या कर रही है। मेरे पास मम्मा के पास आ जाए, मम्मा के पास। क्या हुआ, तुम मिट्टी से खेल के आई हो? ये नाक में पूरा मिट्टी मिट्टी लगा है। तो अभी हम सोच रहे हैं डिनर में क्या बनाएं, बहुत मतलब कुछ लाइट, क्योंकि मेरे पेट में कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाऊंगी, और अभी तो थोड़ी देर में वॉक पर जाएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ, आलू बॉईल करने दिया है क्योंकि आलू चोखा बनाएंगे आज, आलू चोखा और राइस और दाल खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पेट में थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो इसलिए मैं लाइट ही खाऊंगी आज, बाकी और कुछ नहीं खाऊंगी। जल्दी से पेट को ठीक करूंगी ताकि फिर वैलेंटाइंस डे में हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ और बाहर अच्छी जगह पर खाने जा सकें। तो मेरा डिनर रेडी हो चुका है, तो आज खाने में है राइस, आलू चोखा, अचार, एग, आलू और दाल, खा रहे हैं। अब से हम लाइट ही खाएंगे, ओकेशनली विल हैव बिरयानी, नहीं तो रोज रिच खा के बिरयानी खाने का मौका ही नहीं मिलता। इतने से पेट में कुछ अजीब अजीब सा फीलिंग हो रहा है, तो वो शादी में खाने के बाद, नहीं तो कैसे हम दोनों के हो रहा है। आज का डिनर हो गया है, अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।